उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों को लखनऊ रेलवे स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो देखिए, बाहर से अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन का सबसे विहंगम दृश्य है और सबसे बड़ा में दिखता है लखनऊ का रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स, अंदर चलेंगे हम लोग और पूरा दिखाएंगे नज़ारा। और देखिए, बाहर से कुछ पूरा नज़ारा दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। समझ लीजिए, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन कहीं नहीं है जो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह। और यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग सबसे पहले एंट्री लेंगे यहाँ से, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है गुंबद का बनाया गया है यह एक बरामदा इसको कह लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे साफ सफाई हमेशा रहता है। और देखिए, बरामदा में हम लोग आ गए हैं। इसका नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। और देखिए, यहाँ से जाने के लिए ऊपर, और यहाँ से घुमाते हैं देखिए कैमरा, तो ये है। देखिए, आगे ले चलते हैं। देखिए, अब जहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, इधर से हम लोग आए हैं इधर से, और यहाँ देखिए लखनऊ आगमन बाप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बोर्ड लगाया गया बहुत बड़ा में, और देखिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी LIC का बोर्ड लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे मेट्रो ट्रेन का भी दिखाया गया है उधर सामने। तो उधर हम लोग जाएंगे तो उस रूट पे चले जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं और जाते हैं बीच लखनऊ के स्टेशन के जो बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं हाल में, देख सकते हैं इतना बड़ा हाल बनाया गया है लखनऊ रेलवे स्टेशन का। मानो कि जैसे हम लोग राजा महाराजाओं के महल में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सीन है। समझ लीजिए, हमने बहुत रेलवे स्टेशन पे घूमा, लेकिन ऐसा रेलवे स्टेशन हम लोग नहीं घूमे, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन कहीं है ही नहीं। मानो कि जैसे कि हम लोग बहुत बड़े राजा और महाराजा के घर में आ गए हैं। और देखिए, अब ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और आप लोगों को दिखा देते हैं समय सारणी। जब हम लोग रेलवे स्टेशन जहाँ टिकट मिलता है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो उसके बगल में ही है, देखिए है लखनऊ रेलवे स्टेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बड़ा चार्ट लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा चार्ट में पूरी गाड़ी का इसमें सब दिया गया है नंबर, और सब शो करवाया गया है कहाँ से कहाँ जाती है, कितने टाइम पे जाती है। तो पूरा समय सारणी है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ सब दिया गया है, अमृतसर, दिल्ली, देहरादून, सब पूरा दिया गया है इसमें कहाँ से कहाँ तक, कितने टाइम तक। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ LCD बहुत बड़ा लगाया गया है। देखिए यहाँ पे सब गाड़ी वाहन इसमें बताता रहेगा। और देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ता, प्लेटफार्म पे हम लोग चल रहे हैं, अब ऊपर जाएंगे प्लेटफार्म पे। तो जाने के लिए हम लोग ऊपर से रास्ता दिया गया है। और बगल में ही अगर प्लेटफार्म नंबर 1 पे जाना हो तो ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, नीचे से ही हम लोग प्लेटफार्म नंबर 1 पे चले जाएंगे। अगर हम लोग को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी प्लेटफार्म पे जाना हो तो हम लोग ऊपर से ही जाएंगे। तो देखिए हम लोग ऊपर से जा रहे हैं, हम नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पे हम लोग जाएंगे। तो प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए अब देखिए यहाँ पर लिफ्ट भी लगाया गया, लिफ्ट से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट से नहीं जाएंगे,
सारा सुविधा यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे एक लिफ्ट लगाया गया है, ये वाला जो सीढ़ी वाला होता है लिफ्ट, इससे हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगाया गया है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। यह कहीं भी रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, जो काफ़ी मशहूर बड़े होते हैं उसी जगह पे यह लगाया जाता है। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन हमारा बहुत बड़ा है ही, तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, आप लोग देख सकते हैं कुछ नज़ारा यहाँ का इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग का जो ट्रेन आने वाला है त्रिवेणी एक्सप्रेस, बहुत जल्द ही 4:30 बजे आ जाएगी और हम लोग रवाना होंगे अपने सोनभद्र के लिए। तो यह छोटा सा वीडियो बनाया था दोस्तों लखनऊ रेलवे स्टेशन का, अगर आप लोगों को सही लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।